हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। तो बेसिकली ये क्लास आपकी लाइव क्लास होती है, बट आज जब मैंने लाइव क्लास ली तो कुछ नेट का इशू था, कुछ स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम थी, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम थी, और इस वजह से ये क्लास पूरी नहीं हो पाई। तो बेसिकली इस क्लास के सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, तो आप वीडियो पूरी देख सकते हो और 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अपने आंसर और जो स्कोर्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो हम इसमें करेंगे क्या, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने फ्लैश होगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है ये सामने आपके, और इसको आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। तब तक मैं आपको इस क्वेश्चन को रीड करके बता देती हूँ। लॉकडाउन लर्नर सीरीज इज लॉन्च्ड बाय, लॉकडाउन लर्नर सीरीज किसने लॉन्च किया है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके ऑफिस ऑफ द स्पेशल एडवाइजर ऑन अफ्रीका, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? ये सारे ऑप्शंस आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपके यूनाइटेड नेशन के, यूएन के। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? सो राइट आंसर इज बी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स। इन्होंने ही लॉकडाउन लर्नर सीरीज को लॉन्च किया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर टू, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय, एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव किसका ये इनिशिएटिव है? ऑप्शन है आपके ऑफिस ऑफ द स्पेशल एडवाइजर ऑन अफ्रीका, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो मतलब दोनों ही इनिशिएटिव को यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स ने ही रिलीज किया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन को रीड करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। द IGIB ऑपरेटिंग अंडर CSIR हैव कम अप विद अ COVID-19 टेस्ट कॉल्ड। ऑप्शन है आपके फालूका एंड फेलुका। तो ये नाम जो है इसका, ये करेक्ट नेम है आपका ऑप्शन ए, दैट इज फेलुदा। तो IGIB ने एक, जो कि CSIR का एक ब्रांच है, आप कह लीजिए डिपार्टमेंट है, इसने COVID-19 टेस्ट का आपका एक नया टेस्ट बनाया है COVID-19 के लिए, उसका नाम रखा गया है फेलुदा। ये सत्यजीत राय जो थे, उनके जो डिफरेंट मतलब उनकी जो नॉवेल्स थी उनके, या सॉरी फिल्म कैरेक्टर्स थे उनके ऊपर, ये था एक डिटेक्टिव के ऊपर इसका नाम रखा गया है, जो कि नाम है फेलुदा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन एंड हेल्पलाइन टू फाइट COVID-19। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस जब भी आप कर रहे हैं तो देखिए, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका सेम इसी वे में एग्जाम में पूछा जाए। क्वेश्चन फ्रेम करने का सिर्फ यहाँ पर यही मकसद है कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए, ये टॉपिक याद हो जाए, ताकि अगर एग्जाम में आपको घुमाकर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप आंसर करने कर सकें। ठीक है, आंसर करने में केपेबल हो सकें। तो ऑप्शन है यहाँ पर कि क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि एक हेल्पलाइन है, और ये आपको हेल्प करेगा COVID-19 को फाइट करने में। ऑप्शंस में आपके अपर मित्रा, अपेया मित्रा, अपुर मित्रा, अपथा मित्रा, ये फोर नेम्स हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर है आपका डी, दैट इज अपथा मित्रा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द मेन एम ऑफ डैश प्लेटफॉर्म इज टू कंट्रीब्यूट ई लर्निंग कंटेंट एंड हेल्प चिल्ड्रन कंटिन्यू देयर लर्निंग एनी वेयर एनी टाइम इन द कंट्री। वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन है आपका विद्यादेश, विद्यादीप, विद्याधन एंड विद्यादेश। तो सॉरी विद्यादान एंड विद्यादेश। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज विद्यादान। विद्यादान एक प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करेगा जो चिल्ड्रन हैं उनको लर्निंग में, और एनी वेयर एनी टाइम वो यहाँ पर लर्न कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के थ्रू, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन पर क्या आंसर कर सकते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ HRD लॉन्च्ड विद्यादान 2.0 ऑन, तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर दिशा, दिशा, दीक्षा एंड स्वयं। तो कहाँ पर, किस प्लेटफॉर्म पे, किस पोर्टल पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने विद्यादान को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज दीक्षा, दीक्षा पोर्टल पे इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन सेवेंथ, एवरी ईयर वर्ल्ड बुक डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन पढ़ के आंसर कर सकते हैं।
हर साल वर्ल्ड बुक डे कौन ऑर्गेनाइज करता है? ऑप्शंस में आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नेम दिए हैं यूएन के, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका ऑफिस ऑफ द स्पेशल एडवाइजर ऑन अफ्रीका, ऑप्शन बी है आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज यूनेस्को। यूनेस्को ही हर साल वर्ल्ड बुक डे को ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सेप्सिवैक ड्रग इज स्टार्टेड फॉर ट्रायल बाय, तो ऑप्शन है आपके IFPT, ICMR, CSIR एंड IIM। जो आपका एक ड्रग है सेप्सिवैक, ये आपका COVID-19 में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इसको बताया जा रहा है, और इसका फाइनल ट्रायल स्टार्ट हो गया है। इसको किसने ट्रायल के लिए, मतलब कौन इसको ट्रायल कर रहा है, किसने इंट्रोड्यूस किया है, किसने इन्वेंट किया है इस ड्रग को, तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज़ ICMR। ICMR ये आपका CSIR का ही एक सब डिवीजन है, वो इसको इस ड्रग को स्टार्ट कर दिया है ट्रायल के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9th, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ऑनलाइन डेटा पूल आर्ट। ऑप्शन ए है आपका कोविड केयर, ऑप्शन बी है कोविड वॉरियर्स, ऑप्शन सी है कोविड डेयर एंड ऑप्शन डी है कोविड अपडेट। वीडियो को पॉज करके आप आंसर को बता सकते हैं। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज कोविड वॉरियर्स। कोविड वॉरियर्स एक ऑनलाइन डेटा पूल है, एक आपका ऑनलाइन डेटा पूल है जिसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन 10, डेवलप्ड पूसा डिकन्टेमिनेशन टनल हैज डेवलप्ड बाय, यहाँ पे डेवलप्ड वर्ड दो बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। पूसा कंटेमिनेशन डिकन्टेमिनेशन टनल हैज डेवलप्ड बाय, किसने इसको डेवलप किया है? ऑप्शन है आपके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन सी है आपका बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो किसी ने मुझसे पूछा था जब मैं ये वीडियो टॉपिक करवा रही थी कि पूसा डिकन्टेमिनेशन टनल के बारे में कि ये क्या होता है। तो देखिए, आपने वीडियो देखे होंगे जब हम COVID-19 के डिफरेंट टाइप के मेथड्स को के वीडियोस देख रहे थे कि किस तरीके से हम इसको, मतलब कौन कौन से मेथड्स हैं अराउंड द वर्ल्ड जिससे COVID-19 को कम करने की कोशिश की गई है। तो काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे जापान वगैरह की अगर हम बात करें, जापान हो गया आपका, कोरिया हो गया, तो वहाँ पर क्या है कि एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, सुरंग जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर आप जा सकते हैं, उसमें आपका उसमें आपकी पूरी बॉडी को सैनिटाइज किया जाता है, मतलब उसमें आपके स्प्रे लगे रहेंगे, ठीक है, और वो सारे क्या होते हैं, वो जब कोई भी उसमें एंटर करता है तो वो सारे स्प्रे एक्टिव हो जाते हैं और वो जो पर्सन होता है वो पूरी तरीके से सैनिटाइज होकर बाहर निकलता है। इसी तरीके से इंडिया में भी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ ए जो हमारा ऑप्शन है, इसने एक डिकन्टेमिनेशन टनल बनाई है, इसका नाम है पूसा डिकन्टेमिनेशन टनल, और इसमें आपका क्या है जो मतलब इन्होंने, मैंने उसमें मेथड भी बताया था कि किस तरीके से डिकन्टेमिनेट किया जाएगा, किस तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा, तो वो भी उन्होंने शेयर किया है कि उसमें किस तरीके से उनका डिकन्टेमिनेशन होगा। तो ये आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसको पब्लिक एरियाज़ में भी वो कर सकते हैं डिप्लॉय, वहाँ पर भी रख सकते हैं, प्लस आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो आज हमने ये 10 क्वेश्चंस कवर किए, आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। तो मैं आपसे बस ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप ऑप्शंस में, सॉरी, जो आपके कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाके अपना स्कोर शेयर करें, ताकि आप दोबारा जब भी एग्जाम से पहले इन चीज़ों को रिवाइज करने वाले हों तो आपको आपका स्कोर पता हो और आपने कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है वो भी आपको इजीली पता चल पाए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग विद अस। थैंक यू।